ये क्वेश्चन है, cot इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री, इसका मुख्य मान निकालना है। तो हम इसको पूर्व की भांति सॉल्व करेंगे। मान लीजिए cot इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये फलन एकाकी आच्छादक है इसलिए हम इसको लिख सकेंगे cot ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री। अब ध्यान रखना है बच्चों, सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था इनवर्स फंक्शन का जो परिसर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, चूँकि cot इनवर्स फंक्शन का जो परिसर होता है जीरो टू पाई होता है, इसका मतलब y जो माने हो उसका मान जो है जीरो टू पाई के अंतर्गत आना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम काम करते हैं। पहले हम देख लेते हैं cot ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, कितने का cot है, 60 अंश का है, cot 60 का है, यानी पाई बाई थ्री। अब हमको इसको कहाँ लेना है, कहाँ लेना है, जीरो टू पाई के अंतर्गत। तो जीरो टू पाई के अंतर्गत लेना है, जीरो टू पाई मतलब या तो प्रथम या द्वितीय चतुर्थांश, पहला दूसरा चतुर्थांश में निहित है। तो हम इसको लिख सकते हैं cot पाई माइनस पाई बाई थ्री, cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर चाहो तो आप उल्लेख कर सकते हैं आप क्या, सिंस cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम माइनस cot पाई बाई थ्री को cot पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, और ये इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2 पाई बाई थ्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखना है कि क्या अब 2 पाई बाई थ्री जीरो टू पाई के अंतर्गत आता है, सिंस 2 पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू 2 पाई बाई थ्री मतलब कितना बच्चों, 3 छः 18 और 6 दूनी 12 120 अंश जो इसके बीच आता है। तो लिख सकते हैं 2 पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू 0 टू पाई, देयर एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री, सो cot इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। इस प्रकार से बच्चों आप हल कर सकते हैं। और हम ऐसे अलग अलग, हमारे पास जैसे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम इन 6ों का एग्ज़ाम्पल लेंगे और सीखेंगे, यहाँ पर फिर आगे हम बढ़ेंगे। आइए हम और सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई रूट टू, इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये मान देता है cos ऑफ माइनस वन बाई रूट टू इज इक्वल टू वाई, चूँकि ये एकाकी आच्छादक है इसलिए बच्चों लिखा जा सकता है cos ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू। अब यहाँ पर देखिए वन बाई रूट टू कितने का cos है, पाई बाई फोर, cos पाई बाई फोर, वन बाई रूट टू cos पाई बाई फोर का मान है, ये लिख दिया। अब हमको याद रखना है कि y का मान क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसका आप रेंज देखिए। तो इसको हम लिख लेते हैं, चूँकि cos इनवर्स x का परिसर क्या होता है, 0 टू पाई इनक्लोज इंटरवल, इसका मतलब यहाँ पर y बिलोंग्स टू
जीरो टू पाई होगा, ठीक है बच्चों, यानी इसका मान जीरो से पाई के बीच होना चाहिए। तो हमको इसको जीरो से पाई के बीच लाना है, तो इसके लिए कॉस जीरो से पाई मतलब पहला और दूसरा चतुर्थांश है, तो इसको पहले दूसरे चतुर्थांश में लेना है, तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है और पहले में पॉजिटिव, तो हमको इसको कहाँ लेना पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में। तो इसको लिखा जा सकता है दूसरे चतुर्थांश में कॉस पाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। चाहे तो आप इसका रीजन को साइड में लिखें, सिंस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये हम लगा दिए। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस 4 माइनस 1 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो देयर एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आता है विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई, देयर फोर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट करते जाएं और समझते जाएं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रखें, तो ये सवाल जो है बहुत जल्दी आपसे बनेगा। हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, ये सब छोटे छोटे प्रश्न है बच्चों, ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए कहता है, मुख्य मान निकालना है, तो प्रक्रिया को आपको ध्यान पर रखना है। मान लीजिए ये मान देता है y, तो अब y देता था, हमको क्या याद रखना पड़ेगा बच्चों, sec inverse फंक्शन का रेंज याद रखना है, ठीक है। तो हम यहां पर रेंज को लिख लेते हैं, क्या है इसका रेंज, सिंस sec इनवर्स x का रेंज यानी परिसर होता है इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 को छोड़कर, इसके बीच के पाई बाई 2 मान को छोड़कर बाकी के लिए ये मान देता है, तो याद रखना है, यानी y बिलोंग्स टू 0 टू पाई इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2, ये ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कि चूंकि इनवर्स फंक्शन एकाएकी आच्छादक होता है, इसलिए लिखा जा सकता है यहाँ से sec ऑफ y इज इक्वल टू 2/√3। अब इसके रेंज को ध्यान पे रखते हुए हम, ये किसका sec है, 2/√3, तो आपको cos के लिए याद रख करके sec का याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये है sec 30° का मान, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू sec पाई बाई 6, ठीक है। देन y इज इक्वल टू पाई बाई 6, अब ये देखना है कि पाई बाई 6 इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ये आ रहा है, ये देखिए विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, इसके अंतर्गत आ रहा है, इसलिए y का मान पाई बाई 6 होगा, और देयरफॉर हमारा फाइनल रिजल्ट इस रूप में लिखेंगे, sec इनवर्स ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये फाइनल रिजल्ट है। बच्चों हम एक cosec इनवर्स का एक सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec इनवर्स ऑफ -√2, इसका मुख्य मान, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं
कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू इज इक्वल टू आई, देयर एम्प्लाइज एक आई की आच्छादक होने के कारण इसको लिखा जा सकता है कोसेक ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस रूट टू। अब हमको इसका मान अर्थात y का मान निकालने के लिए कोसेक इनवर्स का परिसर निकालना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो हम नोट कर लेते हैं यहीं पर, कोसेक इनवर्स x का परिसर ये होता है इनक्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस जीरो, यानी हमारा जो y है बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस ये होना चाहिए। तो इसको याद रखने बच्चों, तो हम जब इसका मान निकालेंगे तो इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देयर एम्प्लाइज कोसेक वाई इज इक्वल टू माइनस रूट टू कितने का कोसेक है, कोसेक पाई बाई फोर, कोसेक 45 अंश का मान है, रेडियन में हम पाई बाई फोर लिखेंगे। अब आप देखिए इसको हमको लेना है, इस रेंज पे लेना है, तो इस रेंज पे लेना है तो या तो प्रथम में होगा या द्वितीय में होगा, ठीक है, या फोर्थ में होगा। तो कोसेक को देखना है, कोसेक किसके अंतर्गत आता है, तो आप ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आता है कोसेक इनवर्स, यहाँ आता है, तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं कोसेक ऑफ माइनस पाई बाई फोर, देयर फोर वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। इस प्रकार हमारा फाइनल रिजल्ट, y के मान को आप रख दीजिए, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई फोर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब यहाँ आप देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस पाई बाई टू है, ठीक है, ये जीरो है, तो ये माइनस पाई बाई फोर होगा, और जहाँ कोसेक इनवर्स x आता है। तो डायग्राम से भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जिसका मुख्य मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ 680 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, डिग्री में दिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब 680 अंश, अब इसको आपको चेंज करना है। मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स ऑफ 680 इज इक्वल टू वाई, तब एकाएकी आच्छादक होने के कारण इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 680। अब 680 देखिए ये जो है किस रूप में है बच्चों, वास्तव में इसको लिखा जा सकता है, समझना यहाँ पर इसको 680 को, कॉस ऑफ y इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 इंटू 360, यानी कितना हो गया बच्चों 360 गुना 2 720, 720 में 40 घटाइए तो 680, यानी 680 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब cos ऑफ y, अब ये किस क्वाड्रेंट में है देखिए आप बच्चों, यहाँ पर बता दूँ मैं, ये इसका जो रूप है cos ऑफ n इंटू 360 माइनस थीटा, cos ऑफ n, n जो है चक्करों की संख्या है कि 360 पूरा होने पर कितने चक्कर, तो चक्करों की संख्या है, तो n इंटू 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा ये आपको समझना है। तो ये जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, चौथे चतुर्थांश में आता है, फोर्थ चतुर्थांश, और फोर्थ चतुर्थांश में
कास पॉजिटिव होता है तो इसको लिखा जा सकता है कास ऑफ थीटा। ये समझना है बच्चों आपको। तो ये हो जाएगा आपका कास एन इंटू 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कास ऑफ थीटा यानी 40 डिग्री। अब चूंकि डिग्री में है आप इसको रेडियन में बदल लीजिए, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 इंटू कर देते हैं, तो कास ऑफ पाई बाई 180, पाई बाई 180 और इंटू 40, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, हल कर दीजिए इसको, 2 × 4 = 2 × 18 यानी कास ऑफ 2π/9। ये देखें, अब इसमें आपको समझना है कि इसका परिसर क्या होता है, कास इनवर्स का परिसर क्या होता है। कास इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, यानी हमारा वाई जो है 0 to π के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये क्लोज इंटरवल ना, तो 2π/9 के अंतर्गत आता है क्या। 2π/9 मतलब कितना हो गया, 180 से कम है कि नहीं, आप देख सकते हैं पाई से कम है, 1π से कम है, 2π/9, तो आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 2π/9, क्यों, विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट हमारा है इस पूरे कमान कास इनवर्स ऑफ कास 680 इज इक्वल टू 2π/9। अब चूंकि बच्चों ये रेडियन में लिखा है तो आपको डिग्री में, चूंकि क्वेश्चन डिग्री में है इसलिए जवाब भी डिग्री में लिखना पड़ेगा, तो आप इसको पुनः क्या कर दीजिए, डिग्री में चेंज कर दीजिए। तो कास इनवर्स ऑफ कास 680 इज इक्वल टू 180 से गुना कर दो, 2π/9 इंटू पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, चेंज करने के लिए चेंज कर दीजिए, तो ये 40 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देयरफॉर कास इनवर्स ऑफ कास 680 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप फाइनल रिजल्ट के रूप में 40 डिग्री लिखेंगे।